दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते बीसीसीआई ने क्रिकेट का महासंग्राम यानी आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग डेट को पोस्टपोन कर दिया था। और अभी तक जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 15 अप्रैल 2020 से आईपीएल 2020 की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन जिस तरह से भारत में लगातार कोरोना वायरस के केसेज बढ़ते हुए जा रहे हैं उसको देखते हुए 15 अप्रैल से भी आईपीएल 2020 की शुरुआत होनी बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रही है। लेकिन अभी अभी बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग डेट को लेकर एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, जहां पर बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग डेट बता दी है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किस तारीख से आईपीएल 2020 की शुरुआत होने वाली है और किस फॉर्मेट से आईपीएल 2020 खेला जाएगा। पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द आईपीएल 2020 की शुरुआत हो जाए तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग डेट को लेकर आईपीएल ग्राउंडिंग काउंसिल और आईपीएल 2020 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी फ्रेंचाइजियों के मालिकों के बीच 24 मार्च 2020 को एक मीटिंग होनी थी, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के चलते उस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया था। और बीसीसीआई ने ऐसा साफ किया था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में यह मीटिंग दोबारा से होने वाली है, जहां पर आईपीएल 2020 की शुरुआत को लेकर बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाने हैं। खैर यह मीटिंग जल्दी हो जाएगी, जहां पर आईपीएल 2020 के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन यहां पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर आ रही है आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग को लेकर, क्योंकि बीसीसीआई ने ऐसा साफ किया था कि अप्रैल के एंड तक आईपीएल 2020 की शुरुआत हो जाएगी। और फिलहाल भारत को भारत सरकार ने 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर रखा है, यानी 14 अप्रैल तक भारत बंद रहने वाला है। और भारत सरकार ने ऐसा दावा भी किया है कि 14 अप्रैल तक ही लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद लॉकडाउन को खोल दिया जाएगा, क्योंकि उस कंडीशंस तक यहां पर भारत पूरी तरह से अपनी सिचुएशंस पर कंट्रोल कर लेगा। और यदि यहां पर कोविड-19 का प्रकोप भारत में हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता है तो यहां पर बीसीसीआई ने अभी तक जो 5 तारीखों का ऐलान कर रखा है, 15 अप्रैल, 18 अप्रैल, 21 अप्रैल, 1 मई और 5 मई, इन पांचों तारीखों में से किसी एक तारीख को हमें आईपीएल 2020 की शुरुआत होती हुई दिखाई देने वाली है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को लेकर 3 फॉर्मेट रेडी कर रखे हैं, जिनके बारे में हमने पहले ही बातचीत की थी, जहां पर पहले फॉर्मेट में पूरे 60 मैचेस होने वाले हैं, दूसरे फॉर्मेट में पूरे टूर्नामेंट को आधा कर दिया जाएगा, केवल 31 मैच हमें वहां पर देखने को मिलेंगे, और तीसरे फॉर्मेट में 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। और बिल्कुल टी20 वर्ल्ड कप की तरह वहां पर आईपीएल होने वाला है, जहां पर दोनों ही ग्रुप्स की टॉप 2 टीम सेमीफाइनल्स में जाएगी, देन फाइनल खेला जाएगा। लेकिन यहां पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि आईपीएल 2020 के कैंसिलेशन के ऊपर अभी तक बीसीसीआई ने अपनी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। बीसीसीआई यहां पर वेट एंड वॉच का गेम खेल रहा है, जैसे सिचुएशंस कंट्रोल में आएगी तो आईपीएल 2020 की यहां पर शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग डेट को लेकर बहुत सारे बड़े बड़े हिंट्स दिए हैं। और ये जो आईपीएल जीसी और आईपीएल 2020 में पार्टिसिपेट करने वाले सभी मालिकों की मीटिंगों के बाद यहां पर आईपीएल 2020 की कंफर्म्ड स्टार्टिंग डेट का भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन इस खबर के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.